क्या आपको पता है ये सब पहनकर मैं कहाँ जा रही हूँ? अगर पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, मैं जा रही हूँ मेरी कुलदेवी के लिए। वहाँ पर आज दिवसोत्सव है, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी और मैं पूरा श्रृंगार करके गई थी। बहुत ट्रैफिक भी मिला मुझे। ये देखिए बोर्ड हमारी देवी के मंदिर की तरफ जाने का, और आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ और कितना ट्रैफिक संभालना पड़ता है। और ये देखिए, इतनी सारी लेडीज़ पूरा श्रृंगार करके, सारे गहने, साड़ियाँ और क्या क्या, आप खुद ही देखते रहिए। बहुत ही भीड़ थी और मुझे तो बहुत देर हो गई थी पहुँचने के लिए। तो फिर मैंने ये देखी, जो लेडीज़ जा रही थी, मुझे दिख रही थी, उनके पीछे पीछे मैं अंदर की तरफ चली गई। और फिर लाइन में चलते ही चलते ही चलते ही चलते, ये देखिए, दो तीन मंदिर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहले पांच चक्कर लगाया करते थे, लेकिन अब बस एक ही चक्कर लगाना पड़ता है, और वो ही बहुत बड़ा वाला। और आप देख सकते हैं घर भी कितने अच्छे से सजाए हैं लोगों ने। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। इस बार तो बहुत जल्दी जल्दी लाइन जा रही थी लोगों। ये तो सिंपल सा घर था, लेकिन मुझे ऐसे घर बहुत ही पसंद है जो सिंपल हो, रंगोली हो आंगन में, तुलसी हो, और सिंपल और स्वीट, सब कुछ सिंपल। और ये देखिए, हमारा मतलब एक छोटा सा फेरा होने के बाद ना पहला वापस से मंदिर के पास जाता है। तो फिर मंदिर के तुलसी के पास एक फेरा लगा के वापस से हम वापस आगे की तरफ निकलते हैं, दूसरे मंदिर के पास। तो फिर ऐसे एक एक फेरा रहते हैं। और ये देखिए लोग ट्रैफिक किस तरह से अच्छे से संभाल रहे थे, ताकि हम रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकें। ये पूरे गांव को चक्कर लगाया जाता है। ये देखिए सारी लाइन में लेडीज़ लोग जाती है। ये देखिए और किस तरफ से ट्रैफिक रोक के रखा है, और कितनी लंबी लाइन लगी है ट्रैफिक की। और एक दिन के उत्सव के लिए ये तो चलता है ना। ये देखिए, आपको डिफरेंट कलर की नौवारी साड़ीज, हाथ में दिउज़ा, हम इसे दिउज़ा बोलते हैं गोवा में। ये देखिए, ये मुझे यहाँ पर दोस्त भी मिली, इनकी भी कुलदेवी जैसी हमारी है मालसा देवी, वैसी उनके भी सेम देवी थी। तो बहुत सारे दोस्त मुझे मिले यहाँ पर, जो लास्ट ईयर भी मेरे जो दोस्त बने थे वो भी मुझे इस साल मिले हैं। वो आगे आती ही होंगी, वो मुझे हाय बोलेगी। उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि तुम आ रही हो या नहीं। मैंने कहा मैं अभी निकल रही हूँ घर से, मतलब मुझे बहुत देर हो चुकी थी, और वो आगे निकल गए थे। तो फिर ये देखिए, जो जो मिलता है सब एक दूसरे को हाय हेलो बोल के आगे की तरफ निकलते जाते हैं। वैसे मैं थोड़ा सा स्पीड करके ये वीडियो दिखा रही हूँ, नहीं तो बहुत ही स्लो हो जाता। बहुत ही अच्छा लगता है ये दिया लेके, लेकिन कुछ ना दिवस जो हाथ में रहते हैं दिए का, दीपोत्सव, वो ना थोड़े से भारी रहते हैं कुछ लोगों के, और कुछ लोगों के। मैंने तो बहुत ही हल्का वाला लिया था, मतलब ये बहुत लंबा राउंड रहता है, तो मुझे माँ ने पहले ही बोला था कि हल्का सा लेना जिसका वज़न ज़्यादा ना हो। तो फिर मैंने वैसा ही वाला लिया था, मतलब ये माँ की तरफ से दिया जाता है। आप ये देखिए, सारा नथ पहन के, मैंने तो नथ नहीं पहनी थी, जो मेरी प्रेसिंग वाली नथ थी वो नकली थी, और असली वाली थी वो डालने वाली थी, लेकिन मेरे नाक ना जाता ही नहीं था वो नाक में, तो फिर मैं प्रेसिंग वाली यूज़ करती थी, लेकिन वो भी मैंने नहीं पहनी, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा रंग जा चुका था, और खुजली भी होने लगती है जब वो रंग जाता है या कुछ। सारी औरतें इस लाइन में जा रही थी, तभी मुझे एक कपल दिखा, शायद इनकी नई नई शादी हुई थी, तो उसके पत्नी की जगह पति ने ये हाथ में रखा था। बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में। ऐसे पति सबको मिले जो हर कदम पर अपने बीवी का साथ देते हों। और ये सब, ये देखिए हाय बोल रही है, ये मुझे लास्ट ईयर भी मिली थी, ये वास्को से है, ये बहुत ही क्यूट है। लास्ट ईयर हम साथ साथ में चल रहे थे, और जहाँ पर मेरा मैका है ना, वहाँ पर के नेबर के ये रिलेटिव्स हैं, तो ये मुझे बाद में पता चला था लास्ट ईयर।
लेकिन इस साल भी मिले, हाय बोले। और भी एक दोस्त मिलने वाली थी, मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था लेकिन वो मिली ही नहीं। ये देखिए, ये वीडियो मेरे पति ने निकाला था अपने आईफोन पर। वो थोड़ा सा शर्माते हैं तो फिर जल्दी जल्दी निकाल के छोटा सा वो चले गए। और ये देखिए कितना बड़ा, मतलब ये पूरा, ये जो मांद्रे में गांव है ना मदला मास, वहाँ पे ये पूरा जो जो छोटे छोटे मंदिर हैं, कहाँ कहाँ कुछ है, वहाँ पे पूरा राउंड लगाया जाता है। और यहाँ पर लोग मुंबई से हो, बहुत सारे प्लेसेस से आते हो, पूरे गोवा भर से आते हैं कुलदेवी के दर्शन लेने के लिए। ओटी भरते हैं, 5 नारियल, हमने 5 नारियल से भरी थी खंड और साड़ी देकर। ये देखिए, और एक लेडी मुझे बता भी रही थी कि सिर्फ वीडियो ही मत निकालो, पत्थर वत्थर है नीचे उतरना वगैरह है, वहाँ पर भी नज़र रखो नहीं तो गिर जाओगी। और हाथ में भी ये दिया रहता है तो मेरी नज़र रहती थी दिए पर, क्योंकि किसी को लग ना जाए, बहुत केयरफुली जाना पड़ता है। और अगर आपके भी कोई रिलेटिव्स यहाँ पर दिख रहे, क्योंकि ये पूरे इंडिया से लोग आते हैं, ज़्यादातर मुंबई से वगैरह, और भी बहुत सारे प्लेसेस से दूर दूर से लोग आते हैं। ये मेरी दोस्त हैं। और ये देखिए, ये पूरा राउंड लेकर ना लास्ट में हम मंदिर में आते हैं। यहाँ पे पालकी भी है, जो पालकी सबसे पहले पहुँचती है मंदिर में, इसके पीछे पीछे सारी औरतें निकलती हैं। वैसे ये पहुँच चुकी थी। और ये देखिए, हमने और अंदर एंट्री ली। सो यहाँ से जाने के बाद ये मतलब एक फेरा लेने के बाद ये ख़त्म होता है, मतलब ये हाथ में जो दीपोत्सव का उत्सव है वो ख़त्म हो जाता है। वो सारे औरतें बाद में, वो जो भी बाती रहती है, तेल रहता है, वो पूरा एक जगह थी वहाँ पे हवन कुंड जैसा कुछ था, उसमें डाल देते हैं ये फेरा लगाते हुए। ये देखिए, यहाँ पे सारी औरतें ये अंदर आग में डालती हैं, जो भी फ्लावर्स से सजाया था ये फ्लावर्स भी उसमें ही डाल देते हैं, और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर महाप्रसाद भी था और बाकी का भी बहुत कुछ था, लेकिन मुझे चाहिए थी जलेबी, तो मैं पति को लेकर यहाँ पे चली गई। तो फिर भी चालू थे ये सब कुछ, मैं यहाँ पर गई और हमने लिए जलेबी। तो फिर मैं यहाँ पे लोगों पर भी नज़र डाल रही थी ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। आपके भी कोई जान पहचान वाले होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर उनके साथ ये वीडियो शेयर कर लेना। ये देखिए, फिर भी ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए, और किसी ना किसी को कोई ना कोई मिले ही जा रहा था, हाय हेलो बोल रहे थे, कुछ लोग खरीद रहे थे। तो फिर ये देखिए, मैंने ली थी जलेबी, और आप लोग जानते ही है ख़त्म होने भी वाला था, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्रैफिक कम हो गया था, लेकिन था वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे, पता नहीं कितने होंगे, अंदाज़ से मुझे लगता है एक 4-5 हज़ार लोग तो होंगे ही होंगे। फिर हम निकल गए घर, इस बार बहुत जल्दी ये ख़त्म हो गया था। पिछली बार तो, पिछले 2 साल तो मुझे, पहले साल में 1:30 बजे ख़त्म हुआ था, दूसरे साल में 2:30 बजे ख़त्म हो गया, 2:30 बजे। तो फिर ये देखिए, मैं घर पहुंच गई, और ये मेरा दिया है जो सेफ लाया है मैंने। और फिर छोटू, तो छोटू नहीं तो वीडियो कंप्लीट ही नहीं होता मेरा कभी कभी। ये देखिए, मैं इसको जलेबी दे रही, तो इसको ये डब्बे के पीछे लग गया। मैंने सारा सामान, मतलब मेरे गहने वगैरह निकाल के रखे थे, तो इसको देखिए, इसको अकेला छोड़ना, मतलब इसकी हरकतें देखिए आप, ये पूरे डब्बों को खा जाता, इसको बहुत भूख लगी थी शायद, लेकिन उसके बाद पति ने उसको खाना दे दिया था। लेकिन फिर भी देखिए, ये अपने दांत शार्प कर रहा है किस तरह से। फिर आके ये गोदी में बढ़ गया, ये इसकी फेवरेट प्लेस है मेरे गोदी में। फिर मुझे काट के बता रहा था कि मुझे भूख लगी है, दे दो कुछ। ये खाने के बाद ये वापस देखिए कहाँ पर आके बैठा है, इसको पता है हम रात को इसको बाहर डालते हैं, तो इसलिए छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। और वैसे ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर मुझे बताइए, और कमेंट कीजिए कि आप किस तरह के वीडियो देखना पसंद करेंगे। ये देखिए मेरा लुक, वापस दिखा रही हूँ मैं।
स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑयल लगा था कैमरे पे, तो फिर ये देखिए ये वाले भी वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।